की विशेषताएं क्या हैं? भौतिक विज्ञान के निष्कर्षों की विशेषताएं, यानी जो भौतिक विज्ञान के निष्कर्ष हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहला तो यही है कि ये जो विशेषता यानी जो निष्कर्ष हैं वह क्या हैं? विश्वसनीय होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीय क्यों होते हैं? क्योंकि हमने उन पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं और उन प्रयोगों को हमने रिवर्स करके भी देखा है, यानी जब तक हम संतुष्ट नहीं हुए, हम ही नहीं पूरी एक टीम होती है, अगर टीम पूरी संतुष्ट नहीं होती तब तक हम उसको परिणाम के रूप में परिवर्तित नहीं करते, अर्थात क्या होते हैं? विश्वसनीय होते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि जो विज्ञान के निष्कर्ष हैं वह सत्य कथन प्रयोग पर आधारित होते हैं, यानी प्रयोगों के बाद ही हम इनको हमारे परिवेश में लेकर आते हैं या हम परिभाषित तो करते हैं, सैद्धांतिक रूप से लागू करते हैं या उस पर सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। सत्य होंगे, कोई ना कोई स्टेटमेंट होगी और उसके बाद उस पर प्रयोग किया जाएगा, परिकल्पना की जाएगी, तब उनको लेके आएंगे। और जो विज्ञान के निष्कर्ष हैं वह हमारे मानव की भलाई के लिए होते हैं, व्यक्ति को एक अनुशासित व्यक्ति बनाते हैं। नंबर तीसरा हम ले सकते हैं व्यक्ति समाज को अनुशासित बनाते हैं, अनुशासित बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अनुशासित, हम ये देखेंगे, क्योंकि आपने कोई प्रयोग किया उस प्रयोग में यदि कोई त्रुटि कर रहे हो तो परिणाम बदल जाएगा, अर्थात हम यदि अनुशासन में रहते हैं तो परिणाम अच्छे आते हैं। तो आदमी दैनिक जीवन में भी क्या हो जाता है? अनुशासित हो जाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं मानव की भलाई के लिए होते हैं, मानव जाति की भलाई के लिए होते हैं, अर्थात हमने जो भी रिसर्च की है भौतिक विज्ञान से संबंधित वो सारी की सारी क्या होंगी? मानव जाति की भलाई के लिए होंगी। और अगला हम ले सकते हैं जीविका कमाने में सहायक होते हैं, अर्थात कोई भी वैज्ञानिक खोज होती है तो उससे हमारे परिवेश में जो घटनाएं हैं उन घटनाओं से जो परिणाम निकलते हैं उन परिणामों के आधार पर हम कुछ ऐसे उपकरण बनाते हैं जिन उपकरणों से हमें कम लागत में अच्छा उत्पादन हो जाता है, अर्थात हमारी जीविका कमाने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इस तरीके से हम और भी बहुत सारे इसके विशेषताएँ लिख सकते हैं जो कि विज्ञान की विशेषताएँ हैं, यानी हमारा जो परिवेश है उस परिवेश में घटनाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए हम रोड पर चल रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके पीछे क्या कारण था, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, तो उस पर फिर हम आगे वह गलतियां नहीं करते हैं या और भी जो भी है उसके बारे में हम निष्कर्ष निकालते हैं। अगला हमारा पॉइंट है इसी में कार्य